नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे बात करने वाले इस वीडियो में नसों की कमजोरी के बारे में। दोस्तों नसों की जो कमजोरी होती है वो दो तीन प्रकार हैं जिसके कारण से नसों की कमजोरी हो जाती है। नसों की कमजोरी आपकी गर्दन की भी हो सकती है, कंधों की भी हो सकती है, जांघों की भी हो सकती है, घुटनों की भी हो सकती है, कमर के नीचे साइटिका की नसों की हो सकती है। ऐसी नसें जो हमारे शरीर का बल को सहन करती हैं, हमारे शरीर को मूवमेंट करते समय उनका यूज होता है, उन नसों में जब कमजोरी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। उन दर्द को सहन करने के लिए लोग बाग दर्द की टैबलेट खाते हैं, मसाज करते हैं, कई प्रकार के ऑयल लगाते हैं, लेकिन जब तक दवा खाते तब तक आराम होता है, फिर उनको फिर प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। आखिर कारण क्या है इन सब चीज़ों होने का? दोस्तों नसों की कमजोरी का कारण सबसे पहला होता है बात। अगर बॉडी में बात बढ़ा हुआ है, बात बढ़ने का कारण होता है गलत खान पान, आलस भरी जिंदगी। अगर आपका गलत खान पान है, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मैदा बेसन जा रहा है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा चिकनी चीज़ें आ रही हैं और आलस ज़्यादा भरा हुआ है, अगर आप ज़्यादा लेजीनेस है आपकी लाइफ में और अगर आपको कब्जियत रहती है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, अगर आपके खान पान का नियम सही नहीं, अगर आपका रात का जागना ज़्यादा होता है, तब हमारी बॉडी में बात बढ़ता है। उसके बाद इसी सब कारण से यूरिक एसिड भी बढ़ता है, मतलब यूरिक जो रहता है हमारी बॉडी में, अब वो हमारे रक्त में, हमारी नसों में जब जाने लगता है तो वो भी दर्द का कारण बन जाता है। इसके बाद कारण होता है खान पान में कमी। जो लोग खाना अच्छा नहीं खाते, दिन भर भूखे रहते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, मैदा बेसन की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिन चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन नहीं है, उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, बाकी नहीं चीज़ें खा रहे हैं, रसों की कमजोरी कारण से, विटामिन्स की कमजोरी कारण से भी नसें दर्द होने लगती हैं, जॉइंट्स में दर्द होने लगते हैं और हमारे जो कमर का साइटिका का प्रॉब्लम है जो वो दर्द भी आने लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मोबाइल चलाने से, ज़्यादा चलने से, ये भी कारण है कि ज़्यादा अगर मोबाइल में गर्दन अगर हमारी नीचे होती रहती है, बार बार नीचे हमारी, या कंप्यूटर चलाने से गर्दन ज़्यादा झुकी रहती है तो भी सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम होती है, कंधों का जो नसें होती हैं या गर्दन की जो नसें होती हैं उनमें पेन होने लगता है। ज़्यादा दिन भर जो खड़े रहते हैं, दिन भर खड़े होने का जिनका काम है, जिन लोगों का धूप में रहने काम है, बॉडी में से ज़्यादा पानी निकलता है, पसीना ज़्यादा निकलता है, उन लोगों को भी शरीर में पानी की कमी से भी कमर में दर्द या जांघों में दर्द या घुटनों में दर्द या साइटिका का दर्द होने लगता है। नंबर तीन इसका जो कारण है, ज़्यादा मैथुन करना। जो लोग ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में रहते हैं, जो ज़्यादा रस का क्षय करते हैं, ज़्यादा बीयर का क्षय करते हैं, या जिन महिलाओं का जो MC है, मंथली साइकिल है, जो डिस्टर्ब रहती है, बार बार जल्दी जल्दी होती रहती है या लॉन्ग टाइम तक चलती है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों को प्रमेह रोग होता है, जिन लोगों के मूत्र में धातु आता है, उन लोगों को भी ये नसों की कमजोरी, कमर का दर्द, साइटिका के दर्द की परेशानी होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी बॉडी में आखिर कमी क्या बन रही है, कि आपकी वर्किंग ज़्यादा है, आपका खड़ा होना ज़्यादा होता है, या आपका लिविंग स्टाइल गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है, या फिर आपका बीयर का ज़्यादा क्षय कर रहे हैं, या आपको प्रमेह रोग है, पेशाब में धातु का क्षय हो रहा है, या फिर आपकी बॉडी में बात बढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी बॉडी समझनी होगी, फिर किसी वैद्य से आपको इलाज कराना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी नसें कमज़ोर हैं तो आप मोटे मोटे तौर पर क्या करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है सुरंजन का प्रयोग। मार्केट में पंसारी के आप जाएंगे, सुरंजन लाएंगे, सुरंजन को आप सेहत में मिलाकर आप उसको सेवन करिए, सुबह 5 ग्राम, शाम को 5 ग्राम। इससे भी नसों में मजबूती आती है, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद आप शिलाजीत यूज़ कर सकते हैं। शिलाजीत का आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आधा ग्राम से भी कम लेना होता है। वो आपको यूज़ करके देखना पड़ेगा कि आप आधा ग्राम को सहन कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या उससे कम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद आप अश्वगंधा का भी यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा भी हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है, बात को नष्ट करने वाला होता है, प्रोटीन देने वाला होता है, बॉडी में ऊर्जा देने वाला होता है, रक्त को बढ़ाने वाला होता है और लीवर फंक्शन को तेज़ करने वाला होता है। अश्वगंधा का भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको हम नेचुरली खाना पाना करके अच्छा कर सकते हैं। जैसे कई लोग अगर वेजिटेरियन है तो डाइट में अच्छी प्रोटीन डाइट रखें, थोड़ा सा मिल्क लें, थोड़ा सा दही लें और पनीर भी कभी कभी सेवन करें। इन सब चीज़ों से भी शरीर में ताकत आती है और नसें मजबूत होती हैं। नॉन वेज वालों को तो बहुत से रास्ते हैं, मैंने देखा है नॉन वेज वालों को नसों की कमजोरी बहुत कम होती है, जॉइंट्स पेन, बैक पेन बहुत कम होता है। इन लोगों को अधिकतर बात के कारण से प्रॉब्लम होती है, कमजोरी के कारण से मैंने देखा है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम मैंने कम देखी है, केवल बात बढ़ने के कारण से या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं इन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, इन लोगों को यूरिक एसिड के कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोलिंग करना है, अपने ऊपर संयम रखना है। धातु रोग अगर आपको है तो आप थोड़ा सा ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि धातु रोग होने के कारण पित्त होता है, बॉडी की गर्मी होती है, गर्मी को शांत करने वाली चीज़ें खाएं। शांत करने के लिए आप किशमिश खा सकते हैं, आप फ्रूट ज़्यादा खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। और जो ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती हैं दवा में अगर आप जाएंगे तो चंदना साव इसमें ले सकते हैं, सारे स्वातिक क्वाथ आता है या सारे स्वातिक सीरप आता है उसको पी सकते हैं, और भी बहुत से ठंडे रसायन या ठंडे सीरप आते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को बात बड़ा है वो रसना जड़ी बूटी के बारे में मैंने बताया था, तो जो रसना करके एक छाल आती है उस छाल का आप काढ़ा बना के अगर आप पियेंगे तो भी आपके बात में बहुत फ़ायदा होगा, यूरिक एसिड में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किसी आसपास के किसी वैद्य से मिल के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले आप खुद कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके सोरंजान का यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं, सिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं, और कैल्शियम के तौर पर थोड़ा खाएँगे, कैल्शियम की चीज़ें आप जैसे खाएँगे, थोड़ा मिल्क की चीज़ें खाएंगे तो आपका जॉइंट्स पेन में काफ़ी लाभ मिलेगा। कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं खा पाते तो कैल्शियम की टैबलेट खा सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट और मल्टीविटामिन खाने से भी बहुत अच्छा लाभ हो जाता है। तो परमानेंट ठीक करने के लिए मैं ये कहूँगा कि मेन डाइट होती है, दवाइयों से आप परमानेंट ठीक नहीं कर सकते हैं। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, संयम रखें और नियम से रहें, तब आपने अपनी साइटिका की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।